हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपके और हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है टेक गुरुजी लाइव पे। दोस्तों, अगर आप जो एक लैपटॉप या कंप्यूटर बाय करने वाले हैं, यानी कि आपका जो एक बजट है 10,000 या 15,000, मतलब एक नॉर्मली स्मार्टफोन के बजट के अंदर एक जो कंप्यूटर बाय करना चाहते हो, जैसे कि चाहे वह गेमिंग लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया, मैं आपको यहाँ पे तीन लैपटॉप यहाँ पे बताऊंगा जो आप जो अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हो, यानी कि जो गेम खेल सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन मैं आपको ऐरा गहरा वेबसाइट के बारे में नहीं बताऊंगा, जो आपको जो मतलब जेन्युइनली वेबसाइट के अंदर जाके उसको बाय कर सकते हो और आप जो देखेंगे उसको अपने घर के अंदर डिलीवर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप जो एक मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप बाय करने वाले हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ देखिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं वादा करता हूँ कि आपसे कि आप जो तकरीबन 10,000 या 15,000 या 20,000, हो सकता है आपको 30,000 रुपया भी बचत हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। मतलब आप, मैं तो बचा नहीं सकता, लेकिन आपको मतलब आपका पैसा जो है वो ज़रूर बच जाएगी, डेफिनेटली बच जाएगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो अगर आप उस चीज़ को बाय करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिएगा और साथ में एक बेल आइकन आएगा उसको भी ज़ोर से दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो लैपटॉप है थोड़ा सा कन्फ्यूजन कुछ ज़्यादा ही है, तो इसका जो एक वीडियो क्लिप्स है, सबसे पहले इस वीडियो क्लिप्स को देखिए, बाद में आपको जो और भी कुछ मेन हाइलाइट्स है इसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। तो देखिए इस क्लिप्स को। हमारे पास ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लैपटॉप, इसमें जो आपको बहुत ही अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हो और इसमें जो देखने में काफ़ी कूल है, क्योंकि ये जो लैपटॉप जो है कुछ मतलब बहुत ही लो प्राइस का है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल के प्राइस भी काफ़ी लो है। आई थिंक 10,000 या 12,000 के अंदर आपको ये लैपटॉप जो है मिल जाएगी और जनरल तरीके से आप इसको बाय कर सकते हो। और इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज़ 10 या 8 भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑफिशियल जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आती है वो है विंडोज़ 10। और इसका जो लुक जो है काफ़ी प्रीमियम है, सेम टू सेम मैकबुक की तरह आपको यहाँ पर जो लुक दे, मेरे को तो पर्सनली जो मतलब जो प्रीमियम वाला फील आती है लैपटॉप उसमें जो बहुत पसंद आती है। आपका क्या मानना है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और जो नेक्स्ट ये जो है लैपटॉप है, आप इस लैपटॉप के बारे में देख सकते हो, लेकिन इस लैपटॉप में खासियत ये है कि आप जो इसमें बहुत ही अच्छा हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हो, लेकिन इसका जो प्राइस है थोड़ा सा हाई है। लेकिन इसमें मैं देखिए यहाँ पे बजट के अंदर रखा हूँ, यहाँ पे 10,000 15,000 ऐसा 20-21,000 की बजट जो है होती है। नॉर्मली आप जो किसी स्मार्टफोन ख़रीदने जाएंगे तो ऐसा बजट आपने मतलब रखना ही पड़ता है, तब जाके आप जो अच्छा स्मार्टफोन ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कुछ इस लैपटॉप या इस डेस्कटॉप को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको यूज़ करना चाहते हो, बहुत ही आसान तरीके से इसका इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाती है, तीनों में आपको मिल जाएगी। इसका जो SSD वगैरह है या तो आप इसको बढ़ा सकते हो या तो आप कम करके ले सकते हो, यानी कि आप जो बाय करने के टाइम पे SSD आपको चूज़ करना पड़ेगा या आपको 512 या 240 जो कुछ भी अपना चाहिए आप उसको ले सकते हो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ सब कुछ बता दिया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए भूल गया हूँ, तो आप लोगों को बता देना चाहूँगी। जैसे कि आपको जो मेमोरी जो स्लॉट मिलती है, यानी कि जो रैम का स्लॉट है, वो आपको DDR4 या DDR3 आपको मिल जाएगी। और 4GB से लेकर आप जो 8GB आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और आपको i3 से लेके i7 प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप चूज़ क्या कर रहे हो। तो और भी यहाँ पे आपको जो है मतलब जो बैटरी कैपेसिटी है बहुत ही अच्छा मिल जाती है, 8,000 एंड 10,000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। और बाकी जो कुछ भी है आप खुद ही चेक कर सकते हो। और ज़्यादा कुछ जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट पे एक लिंक मिलेगा, ब्लॉग का लिंक, तो उस जगह पे एंट्री हो जाएगा। एंट्री होने के बाद आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब कुछ समझ चुके हैं, फिर भी कोई भी किसी तरीके की कन्फ्यूजन आता है, किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं जल्दी से जल्द आप लोगों के कमेंट कर सवालों का जवाब जो है देने के लिए कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो को इतना ही, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को ए पे समाप्त करने के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।